प्रणाम नमस्कार। हम पवन पांडे और सबके गोड़ छू के गोड़ लाता नहीं। और एगो पवन धुन म्यूजिक चैनल नया बनल है, जौना चैनल से सबसे ज़्यादा गाना हम गाएं और कोशिश करें कि महीना में एगो गाना हम गाएं। वैसे तो सब लोग के गाना एगो पर लगभग लगभग जे भी इच्छुक हो हमारे चैनल से गावे खातिर वो हमारे चैनल से गा सकेला। लेकिन विशेष तौर पर हम गाना गाए साथे साथे ज़्यादा पूजा पाठ वाला जितना भी गाना हुई, सामाजिक गाना हुई, और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पर सैड संग गाना गए। लेकिन पहला बार छठ के गाना गौले बनी और छठ के गाना जौन बा सिर्फ हमारे गोदी में बलकबा खातिर नहीं थे, वो तमाम गोदी में बलकबा खातिर बा जरा जे छठी माई से कामना कैले रहे कि हमारा पुत्र प्राप्ति होके, हमारा संतान प्राप्ति होके। और छठी माई ओकर गोदी भरले बारी तो तमाम माई बाप खातिर गाना बा। जब रे गाना सुनब हमार तरब बुझाई कि रउआ अपना लाल खातिर छठी माई से गुहार करतन। बहुत प्यारा गाना बा, एक रिक्वेस्ट गाना बा, एगो निवेदन गाना बा, एगो प्रार्थना स्वरूप में गाना बा, छठी माई से आग्रह रूपी गाना बा। गाना नहीं के समझी कि हर संतान के मंगल कामना खातिर गाना बा। तो हर सब लोग चाहेला कि हमारा संतान सुखी होके, आनंदित होके और अच्छा हो। तो गाना के माध्यम से छठी माई से गुहार बा कि हे छठी माई, वो तमाम लोग के जेकरा जेकरा रुआ गोदी में बालक देले बने, वो तमाम गोदी के बालक के रक्षा करी। और जेकरा के नैखी देले माई आशीर्वाद दे कि फिर से ओकरा ओकरा गोदी भरे और वो गोदी में बालक होके और मैया रुआ से गुहार करे। कि रखी ध्यान हरदम अरे गिरे ना पलकवा तोहर दिहल हे छठी माई गोदी में बलकवा तोहर दिहल हे छठी माई गोदी में बलकवा तोहर दिहल ह। और ये वीडियो में काम भी हम कैले बनी, थोड़ा सा काम कैले बनी, बाकी मॉडल और शूटिंग कैले बा, लेकिन थोड़ा सा काम बा हमारा। तरवा हमारे वीडियो में काम भी देखब और जितना भी ये चैनल पर हम गाना छोड़ब सबके हम वीडियो शूटिंग करें और वह सबके प्यार आशीर्वाद मिले के चाहें। ये स्पेशल अपना गावे खातिर गाना म्यूजिक कंपनी खोलनी है, ऐसा नहीं थे कि लेकिन अगर जे भी कलाकार नया नया बा गावे के चाहता तो अपन ऑडियो वीडियो बना के चैनल पर रिलीज करवा सकेला। चूँकि अभी हमारे लगे उतना पैसा नहीं है कि हम खर्चा कर के लोग के गाना गवाई, ऐसे हम अपना गावे खातिर गाना बनैनी है ना। तो बहुत सारे लोग वीडियो देखेला तो कहला चलिए वो जिगा वादी, तो अपन अगर अपना से ऑडियो वीडियो बना सकिले तो बनाई। हाँ, कोशिश करके हमारा पवन धुन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई तो बस नॉर्मल खर्च जो खर्चा बा वे खाली संगीत के पैसा लगी, बाकी मार्केट रेट में ना लगी। अपना पवन धुन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई तो जो जनरल खर्च बा वो खर्च मेरा और अथी ऑडियो बनी, बाकी वीडियो रहू अपन जितना में खर्च करवाई चाहे जैसे शूटिंग करी रहू हमारा चैनल से गाना रिलीज कर सकिले। और रवा सबसे आग्रह निवेदन बा कि ये गाना आशीर्वाद स्वरूप रवा सुने के बा 29 तारीख के सुबह 6-7 बजे के बीच में आ जाए गाना पवन धुन म्यूजिक से गोदी में बलक। बहुत प्यारा रवा सबके आशीर्वाद मिलता बिना कोनो गाना डलले 100 सब्सक्राइबर होके जा रहल बा। शाम कैमरा मोशन पोस्टर छूटल बा, कल टीजर छूटी और वह सबके बीच में परसों पूरा वीडियो गाना छूटी। छठी माई एपर कम से कम 4-5 को छठ गाना छुट्टी तरह सब आशीर्वाद प्यार बनौले रही। और साथ ही साथ पवन धुन स्टूडियो एगो भी हमारा यूट्यूब चैनल बा, जनम स्टूडियो का हर चीज रहा एक्टिविटी देखे के मिलेला। ओकरा करवा 5,000 सब्सक्राइबर करी एक खाली धन्यवाद। और ऊपर तमाम वीडियो डाला पवन धुन स्टूडियो के माध्यम से रहो सबको बता दी कि अपन स्टूडियो बन गए बा। और स्टूडियो में हम बहुत जिया वीडियो आई कोशिश करब कि अगर हम पटना वो दिन रहब तो अपना स्टूडियो से लाइव आए रहो सबके बीच में लाइव आके कह के ना लाइव रहें, लेकिन हम मंगलवार के लाइव आए रह सब तमाम अपन प्यार दुलार आशीर्वाद बनैले रखें। और साथे साथ रह सबके धनतेरस दिवाली के एडवांस में हार्दिक शुभकामना बा, निवेदन बा, प्रार्थना बा कि सब लोग सुख है, सुखद रहे, मंगलमय रहे। और बहुत प्यारा गाना बा कि छठी माही गोदी में बलकवा तोहर दिहल ह। और जब वह सब बजायब जब तो एकदम आँख से आँसू आ जाए जब गाना सुनब रियली। हम गावत रही तो खुदे हमारे इमोशनल होकर रहनी और शूटिंग में भी जे भी रहे बहुत प्यारा गाना लगा। जब उस गाना सुनब तो सही में बेहतरीन गाना लगे। और आप सबके आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। जय माता दी, जय हो पवन धुन, जय छठी मैया।